Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the Urdu paper pattern. Dear students, आज की इस वीडियो में हम completely discuss करेंगे कि उर्दू के FSC पार्ट 1 के सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए आपने किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है. आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्टिव टाइप अकॉर्डिंग टू मार्क्स, आपने उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड करने से मैक्सिमम मार्क्स आप उर्दू सब्जेक्ट में ले सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसायरम एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो डैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द गो. डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम पॉइंट्स को जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए थे कवर करने के लिए मैं आपके साथ एक सॉल्व्ड FSC का पार्ट 1 का पेपर जो है वो शेयर कर रही हूँ. हम इसको डिस्कस करेंगे और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपने फाइनल एग्ज़ाम में पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर लेते हैं. एज़ यू ऑल नो, 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होना है उर्दू कंपलसरी का, उसमें 20 मार्क्स के MCQs आने हैं. उसके अलावा जो 80 मार्क्स रिमेनिंग हैं वो आपके सब्जेक्टिव टाइप के आने हैं. तो 20 मार्क्स के पेपर को कवर करने के लिए आप मेरी MCQs वाली वीडियो को देखिए और इसके अलावा रिमेनिंग डियर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए अब हम उनको स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसमें आपने अशार की तशरीह करनी होती है जिसमें नज़्म और गज़ल के अशार होते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में सियाक व सबाक 2 पूछे जाते हैं और आपने एक करना होता है, कोई सा एक. क्वेश्चन नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स खुलासा आपने करना होता है, चैप्टर्स में से 2 में से आप दिए जाते हैं, आपने एक करना होता है. क्वेश्चन नंबर 5 में नज़्म का खुलासा दिया जाता है, एक ही होता है और आपने एक ही करना होता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में मुकालमात और रुदाद, इन दोनों में चॉइस होती है. क्वेश्चन नंबर 9 में रसीद पूछी जाती है एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द तलखीस निगारी. डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ये पेपर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है. पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपने सबसे पहले साइड लाइन्स को मार्क कर लेना है, उसके बाद कट मार्कर का यूज़ करना है, इंशाइया तर्ज मेन हेडिंग देनी है. इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 पहले अटेम्प्ट किया गया है. डियर स्टूडेंट्स, अब ये भी क्वेश्चन माइंड में आता है कि हम कौन सा क्वेश्चन पहले करें, पेपर बहुत लेंथी होता है उर्दू का. तो डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसा क्वेश्चन लें जिसके मैक्सिमम मार्क्स हों और उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा ना हो. आप कोशिश करें कि आप उनको इस तरह के क्वेश्चंस को पहले करें ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ और अगर कोई माइनर मार्क्स वाला क्वेश्चन रह भी जाए तो उससे आपके टोटल मार्क्स के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़े. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 पहले किया गया है जिसमें नज़्म का ख़ुलासा स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया जो कि है ख़ुलासा तस्लीम व रज़ा का. और डियर स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए आपने सबसे पहले ऊपर मार्कर के साथ शायर का नाम लिखना है कि किस शायर ने लिखा है, उसका 1 मार्क्स होता है. डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो 4 मार्क्स हैं इनको लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस खुलासे की लेंथ का ख्याल रखना है. इस खुलासे की लेंथ ऑलमोस्ट 15 to 16 लाइंस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. और ख़ुलासा अटेम्प्ट करते हुए भी डियर स्टूडेंट्स, आप जो चंद इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मार्कर के साथ हाईलाइट कर लीजिए.
डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये 5 मार्क्स का ख़ुलासा किया गया है और आपने पेपर में इसी तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। अब हम डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट ने किया है जो कि तलखीस निगारी का है। एक पैराग्राफ गिवन होता है, आपने उसको थ्रू आउट रीड करना होता है। उसमें डियर स्टूडेंट्स आपने 3 हेडिंग्स देनी है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं। इबारत का उन्वान, इबारत के कुल अल्फाज और तलखीस शुदा अल्फाज। इबारत के उन्वान में आपने पैराग्राफ को रीड करना है और रीड करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इसका उन्वान होना चाहिए, क्या मेन हेडिंग होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप इसका उन्वान एक या एक से ज़ायद भी लिख सकते हैं, 2 या 3 भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपने इबारत के कुल अल्फाज उनका अंदाज़ा लगा लेना है। स्टूडेंट ने लिखा है कमो बेश 110 हैं और तलखीस शुदा अल्फाज हैं जो किए गए हैं वो कमो बेश 40 अल्फाज हैं। अब ये जो 40 अल्फाज हैं इनको तकरीबन 4 लाइंस में ये पूरे हो जाएंगे अगर आप ये जो राइटिंग है इसको देखें। और उसके बाद आप एक या एक से ज़ायद भी उनवान का नाम लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट ने यहाँ पे मुतबादिल उनवान लिखा है, आप इबारत के उनवान के साथ स्लैश डाल के दोबारा एक और भी लिख सकते हैं, उसके बाद एक स्लैश डाल के एक और भी लिख सकते हैं। आप मैक्सिमम 3 उनवान ख़ुद से लिख सकते हैं जो आपका सूट बेस्ट करेगा एग्जामिनर को, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो आपको उसके मार्क्स दे देगा। और अगर आप एक ही बेस्ट लिख लेते हैं तो आपको उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने अल्फाज का ख्याल रखना है। इस तलखीस वाले क्वेश्चन में देखें, छोटा सा क्वेश्चन है और ये आपका इसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपने इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर सवाल नंबर 7 दिखाई दे रहा है जो कि दरख्वास्त का है। डियर स्टूडेंट्स, जब दरख्वास्त करनी होती है तो उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है डियर स्टूडेंट्स के आप उसकी उसके पैटर्न की जो है प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसमें हमने क्या लिखना है। सबसे पहले आप को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट कॉलेज, कोमा डाल के अलिफ बेजीन, और फिर आपने उनवान लिखना है। उनवान में डियर स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक के बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं आपने वो लिखना है। दोबारा दाखिले की दरख्वास्त है, उसके बाद आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उनवान के बाद जो आपके उनवान वाली लाइन है उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिर आप जनाबे आली लिखिए और फिर आप 2-3 मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स के अंदर अपनी जो बात है उसको कंप्लीट कीजिए और इसकी लेंथ 1.5 पेज जो है आप इसके ऊपर लिखें और इमला की मिस्टेक्स ना हो, और इसमें भी आप कुछ वर्ड्स मार्कर के साथ हाईलाइट करके लिख सकते हैं। और इसका जो लास्ट पे पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है आपने इसको इस तरह से कंप्लीट करना है कि आपने दरख्वास्त गुजार मार्कर के साथ लिखना है, उसके बिल्कुल पैरेलल आपने डेट लिखनी है, उसके बाद नीचे लिखना है आपका ताबे फरमान शागिर्द अलिफ बे जीन जीम। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने 1.5 पेज के ऊपर दरख्वास्त लिख लेनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं मुकालमा नवेसी की। मुकालमा जो है उसका सवाल नंबर 6 होता है, आपने पहले वो लिखना है। आप कोई भी क्वेश्चन एंड करते हैं उसके बाद आपने एक लाइन लगा देनी है और उसके बाद वेरी नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को मेंशन करना है। और उसके बाद आपने डियर स्टूडेंट्स मुकालमा नवेसी इसकी हेडिंग बनानी है। आपने पहले मंजर की एक हेडिंग लाजमी लिखी है कि जो मुकालमा 2 लोगों के दरमियान बातचीत हो रही है उसका मंजर क्या है, कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ से बात स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मुकालमा 2 लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन को कहा जाता है, तो आप कोई से भी नाम लिख सकते हैं। उनको जब आप लिखेंगे तो आपने उनको इस तरह से लिखना जैसे हम नॉर्मल रूटीन में
रूटीन में बातचीत कर रहे होते हैं तो आपने मुकालमा लिखना है, और मुकालमा देख रहे हैं आप अरसलान और अहमद, दो बच्चों स्टूडेंट्स के दरमियान बातचीत हो रही है, और इसमें जो है आप अशार भी ऐड कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर कि ये जो है 4 पेजेस पे तलखीस लिखी गई है, तो आप 4 पेजेस के ऊपर मुकालमा लिखा गया, आप 4 पेजेस के ऊपर इस मुकालमे को लिख सकते हैं, और इसमें भी आप इमला की मिस्टेक नहीं कीजिए, आप अशार ऐड करें। इसको काफ़ी अच्छी बातचीत जो है उसको लिखिए, ये नहीं कि बेतुकी बात की जाए, जो आपका मेन टॉपिक है उससे हट के आप कुछ और ही बात अंदर स्टार्ट कर दें, तो जो जिस टॉपिक पे आपको गिवन मुकालमा होता है आपने उसी के ऊपर बात करनी है और आप उसको 4 पेजेस के ऊपर कंप्लीट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 4 की, जो कि है डियर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर का खुलासा। चैप्टर का ख़ुलासा जो आपके नज़्म के अलावा जो बाकी चैप्टर्स होते हैं जिनके आंसर क्वेश्चंस भी होते हैं, उसका जो ख़ुलासा है वो आपका 2 होते हैं, 2 में से आपने 1 करना होता है। ख़ुलासा है जो स्टूडेंट कर रहे हैं चिराग की लॉ, और उसमें मुसन्नफा का नाम लिखना है, जो भी राइटर है उसका नेम आप सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले लिखें, तो वो हाजरा मसरूर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुसन्नफा का नाम ये सोचते हैं कि हम लास्ट पे लिख देंगे, बाद में लिख लेंगे, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन तो स्टार्ट किया है लेकिन वो करते हुए पेपर ले लिया गया, टाइम पूरा हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या करें कि आप उसको स्टार्ट में लिखें। आप अभी जस्ट 1 पैराग्राफ भी अगर लिखा हो और फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम ख़त्म हो गया, तो आपको उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको 1 मार्क्स जो है वो राइटर के नेम का मिलेगा। तो आपने इस टिप को फॉलो करना है, आपने सबसे पहले जो मुसन्निफ़ है उसका नेम लिखना है। इस खुलासे में भी देखें अब जो कुछ अल्फाज हैं उनको हाईलाइट करके लिखा गया है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर लिख दिया है और उनकी अगर आप अल्फाज को इस तरह पेपर में हाईलाइट करते हैं, तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी जो है वो इमला की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं, और एक और बात, खुलासा जो है वो 2 पेजेस, 2.5 पेजेस का डियर स्टूडेंट्स आप लिख लें, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जो कि इक्तबास की तशरीह है। इसमें 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं और आपने 1 करना होता है। अब इनमें किन किन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करके लाजमन लिखना है, द फर्स्ट इज ऑफ हवाला मतन, जिसमें सबक का उनवान, मुसन्निफ़ का नाम, माखज़ और अदबी सिन्फ, यानी चैप्टर का नेम क्या है, किस चैप्टर से पैराग्राफ आया है, उसको लिखा किसने है, ये कहाँ से लिया गया था चैप्टर, और ये अदबी लिहाज से क्या चीज़ है, सीरत निगारी है, कालम निगारी है या क्या है। यहाँ पे उसवे हसना की बात की जा रही है तो ये सीरत निगारी है। फिर आपने डियर स्टूडेंट्स उसका सियाको सबाक लिखना है, यानी फॉर एग्जांपल आपने इस चैप्टर का खुलासा भी किया हुआ है तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप उसकी जो है तशरीह करनी स्टार्ट कर दें। आप तशरीह को करें, उसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन करें, कोई कोटेशन ऐड हो सकती है तो आप उसको भी कीजिए, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ने की हुई है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल कुरान, बहुत से स्टूडेंट्स की अरबी वीक होती है तो आप वो अरबी को स्किप कर सकते हैं, जस्ट तर्जुमा लिख सकते हैं, इरशाद बारी ताला है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है कि और भी स्टूडेंट ने काफ़ी कोटेशंस वगैरह ऐड की हुई हैं, अशार किए हुए हैं, लाइक वमा अरसलना का इल्ला रहमतुलिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर दो की, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स लास्ट पे करते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ अशआर, तशरीह की जाती है। उसमें डियर स्टूडेंट आपने नज़्म का उनवान यानी नज़्म का जो है वो कंप्लीट नेम क्या है और उसको किसने लिखा है, शायर का नाम लिखना है। फिर आपने तशरीह स्टार्ट कर देनी है। जब आपने डियर स्टूडेंट्स तशरीह करनी है तो उसके रिलेटेड आप खुद से अशआर को भी ऐड कर सकते हैं। ऑथेंटिक रेलिवेंट अशआर को ऐड कीजिए और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत से अशआर स्टूडेंट ने ऐड किए हुए हैं। बातिल से दबने वाले ए आसमान ही हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। उसके बाद रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, और भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं, और इस तरह शार की तशरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि गज़ल की तशरी की गई है। गज़ल की तशरी में भी आपने डियर स्टूडेंट्स शायर का नेम लिखना है, गज़लों का कोई उनवान नहीं होता। तो आप जौन से शेर की करना चाह रहे हैं आप उसका शेर नंबर लिखिए, शायर का नाम लिखिए, और मफहूम आप ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं, दैट्स नॉट कंपल्सरी। इसमें जस्ट तशरी ही कंपल्सरी है। तो अगर कम टाइम हो तो आप मफहूम को अगर लिखना चाहते हैं कि आपको क्या उस शेर को पढ़ के समझ आ रही है टू द पॉइंट, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें भी अशआर ऐड करें और इरशाद बारी ताला कीजिए, अहदीस से रिलेटेड कोई जो हैं अहदीस कुछ अगर आपको याद हैं शार के रिलेटेड आप उसको राइट कर सकते हैं। इसमें देखें शेर नंबर 2 है। डियर स्टूडेंट्स, एक और अहम बात जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी वो ये कि जब आप उर्दू का पेपर कर रहे हो तो आप अगर कोई नज़्म में लाइक हमद है उसमें आप इरशाद बारी ताला, आपको पता तो है कि क्या है लेकिन आपको एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं पता, तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने उस चीज़ में लिखना होता है कि इरशाद बारी ताला का मफहूम है, या आपको कोई हदीस तो याद है लेकिन उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, उसका मफहूम पता है। तो आप उसको ये नहीं लिखें कभी भी कि हदीस से मुबारक और फिर कोटेशन की फॉर्म में ऐड करके लिखें, बल्कि आप डियर स्टूडेंट्स क्या करें, आप लिखें अहदीस नबी का मफहूम है। जब आप मफहूम लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें अगर आप ख़ुद से वर्डिंग कर लेते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, और अगर आप एग्जैक्ट लिख लेते हैं कि इरशाद बारी ताला है या हदीस से मुबारका के मुताबिक, तो और आप एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं लिखते तब आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ राइटिंग अलाउड नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने अपना उर्दू का पेपर जो है वो कंप्लीट करना है, और कोशिश कीजिए कि जो अशार वाला पोर्शन है उसको लास्ट पे ही कीजिए, क्योंकि अशार की तशरीह आप काफ़ी लेंथी लिख लेते हैं, उसको लास्ट पे लिखें। बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से करें और पूरे पेपर को बहुत ध्यान से करें, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपना पेपर बहुत अच्छा कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करें, अपनी कीमती राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।